नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा पानी का उपाय जो मात्र आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आज के समय व्यक्ति के पास हर चीज़ें होना ज़रूरी होता है, तो दोस्तों उसका संबंध होता है पैसे का। दोस्तों, बिना पैसे के व्यक्ति अधूरा माना जाता है, इसीलिए दोस्तों आज के समय व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं होता तो दोस्तों व्यक्ति किस्मत को दोष देता है। बिना पैसे के व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनता है और व्यक्ति अटक जाता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो उपाय आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर पैसों का आप चिंता करना छोड़ देंगे और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर पैसों की कमी अपने आप ही समाप्त होगी। तो दोस्तों, ये उपाय है पानी का कि आप पानी से किस प्रकार अपने घर के वास्तु दोष को और आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आपको उपाय कैसे करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, क्या करें? सबसे पहले अगर आपको अपने जीवन के अंदर धन की कामना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि धन के मामलों के अंदर आपको कभी भी पीछे देखना नहीं पड़े, तो दोस्तों एक कांच का ग्लास लें और कांच के ग्लास के अंदर आपको पानी भर देना चाहिए। उसी के साथ ही दोस्तों, भगवान शनिदेव, क्योंकि दोस्तों कांच राहु का प्रतीक माना जाता है और दोस्तों राहु दोष हमारे जीवन के अंदर आप दूर करेंगे तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही धन आता है, अपने आप ही वास्तु दोष सही होता है और भगवान शनिदेव की भी सकारात्मक दृष्टि आपके ऊपर रहती है। तब आप क्या करें, कांच के ग्लास के अंदर पानी डालें और ऊपर से आपको गिनकर 7 काले तिल, अगर दोस्तों आपको काले तिल मिलते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप काली इलायची भी इसके अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों, 7 डालने के बाद आप क्या करें, उस ग्लास को किसी लाल कपड़े या फिर काले कपड़े से ऊपर से बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने के तत्पश्चात जिस व्यक्ति के ऊपर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उसके ऊपर से उस ग्लास को, जिस प्रकार घड़ी घूमती है उसी प्रकार घड़ी की दिशा के अंदर आपको 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा देना चाहिए और घुमाते समय ओम रुद्राय फट, ओम रुद्राय फट इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के तत्पश्चात आप क्या करें कि आप उस ग्लास को रात को आप उस जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया उसके सिरहाने आपको वह ग्लास रख देना चाहिए। ऐसा करने के बाद आप सो जाएं, आप किसी भी प्रकार की आपको चिंता है तो आप उस चिंता से मुक्त हो जाएं, बस मात्र उस व्यक्ति के पास इस ग्लास को रख दें। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद आपको बासी मुंह बिना स्नान के ही उस ग्लास को लेना है और कहना है, मेरी नकारात्मकता है, मेरी जीवन की बुरी चीज, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे घर से बाहर चली जाए। दोस्तों, रात को जब आप सोते हैं तब वो कांच का ग्लास आपके आसपास की सारी नकारात्मकता, नजर दोष, बुरी शक्तियों को कांच और पानी और साथ ही साथ काली मिर्च या फिर काले जो आपने तिल लिए इनको सौंखने का कार्य करता है, क्योंकि दोस्तों नकारात्मकता सौंखने के अंदर यह बहुत चीजें आकर्षित होती है और साथ ही साथ दोस्तों भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब सुबह उठने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ आपको उस जल को गिरा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा मात्र करने से ही समझ लीजिए कि कोई भी कैसा भी क्यों ना कार्य हो आपका निश्चित तौर पर बन जाएगा, नजर दोष समाप्त होगा और आपको धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, एक गिलास पानी का यह उपाय भी है, यह बहुत ही चमत्कारी उपाय और बस आपको विशेष कोई भी कार्य नहीं करना होता। दोस्तों, अगर आपकी दुकान है और दुकान के अंदर आप चाहते हैं ग्राहकों की कमी नहीं खले, ग्राहक हमेशा आपकी दुकान पर आए और साथ ही साथ धन का अच्छा आगमन हो, धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिले, और अगर आप नौकरी भी करते हैं तो अपने घर के अंदर आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको इसके लिए बस 3 चीज की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, एक गुलाब का पुष्प, एक नींबू और साथ ही साथ एक कांच का ग्लास। इन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि आप एक कांच का ग्लास ले और कांच के ग्लास को लेने के तत्पश्चात आप उसके अंदर एक नींबू डाल दें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, नींबू को 7 दिन काम में लेना है तो नींबू सड़ा हुआ या फिर नींबू खराब हुआ नहीं चाहिए, और पीला नींबू लेना है, हरा नींबू आपको नहीं लेना है। यह इस ग्लास के अंदर डाल दें और उसके ऊपर आपको पानी भरने के बाद गुलाब का पुष्प रख देना चाहिए। दोस्तों,
माना जाता है कि जब जिस जगह पर यह होता है वहां पर इसकी सकारात्मकता बनी रहती है, धन को आकर्षित करने का कार्य करता है यह ग्लास। और दोस्तों इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, जब तक दोस्तों यह नींबू तैरता और जब तक एक सप्ताह तक, शनिवार के दिन आपको रखना है और शनिवार के दिन ही इसे वापस खाली करना है, तब तक यह नींबू ना तो सड़ता है और न ही इसका रंग बदलता है और न पानी के अंदर किसी प्रकार की गंदगी आती है। तो समझ लीजिए दोस्तों आपके जीवन के सितारे बुलंद हैं, आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। इस बात को आप मानकर चलिए, कभी भी आपके घर परिवार के अंदर दुख दारुनिया नहीं देखने को मिलेगा। इस उपाय को करने मात्र से ही धन का अच्छा आगमन होता है। अब दोस्तों पानी का एक उपाय, अगर आपको दोस्तों लंबे समय से लग रहा है कि परिवार के अंदर अशांति का माहौल है, लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी शांति नहीं मिल पा रही है, या फिर हो रहा है कि धन के मामलों के अंदर आपको हमेशा दुख का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आप कहेंगे कि आपके घर के अंदर बहुत सारा फायदा देखने को मिला है। आप क्या करें, किसी भी दिन, एक रविवार का दिन आप त्याग दें, उसके अलावा किसी भी दिन अपने घर के पूजा घर के अंदर ही, सामान्य पूजा जिस प्रकार शाम की करते हैं या सुबह की करते हैं, पूजा घर के अंदर आपको बैठना चाहिए। उसी के साथ ही दोस्तों आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, वह सामग्री आपको ले लेनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको पहली चीज आवश्यकता पड़ेगी तुलसी के पांच पत्तों की। दोस्तों तुलसी के पांच पत्ते ले लें, एक तांबे का आपको लोटा ले लें जिसके अंदर ढेर सारा जल आ जाए। यह लेने के पश्चात आप क्या करें कि एक थोड़े से चावल ले लें, और थोड़े से चावल लेने के बाद चावल के ऊपर उस तांबे के लोटे को आपको रखना चाहिए। उस तांबे के लोटे के अंदर आप जल भर दें, और जल भरने के बाद आप क्या करें, पांचों तुलसी के पत्ते उस लोटे के अंदर आपको डाल देना चाहिए। उसी के साथ ही दोस्तों आपके पास कोई सोने की चीज है तो आपको उस लोटे के अंदर ही डालकर वापस निकाल देनी चाहिए, ताकि उस पानी को स्वर्ण स्पर्श पानी माना जाता है। इसी के साथ ही थोड़ा सा गंगा जल उस पानी के अंदर आपको डाल देना चाहिए। ऐसा करने के तत्पश्चात आप उस लोटे के दोनों तरफ या चारों तरफ एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें दोस्तों, जिससे यह जल अभिमंत्रित हो जाता है और जल के अंदर कई गुना पावर देखने को मिलती है। और तुलसी का पत्ता साक्षात होने से दोस्तों नकारात्मकता तो आपके इस लोटे से कोसों दूर रहने ही वाली है। अब ऐसा करने के तत्पश्चात आप क्या करें, इस लोटे भरे पानी को लें और लोटे भरे पानी के सामने एक दीपक जलाएं और भगवान से आप यही प्रार्थना करें कि आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष है तो तुरंत प्रभाव से वह चला जाए, और एक रात के लिए उस दीपक के साथ उस लोटे को वही पूजा घर के अंदर रख दें। दोस्तों अगले दिन उठें, स्नान आदि कामों से निवृत्त हो जाएं, आदि कार्य आपके पूरे हो जाएं, उसके बाद क्या करें, उस लोटे जल को लेकर आपके घर के मुख्य द्वार पर उस जल की एक रेखा बना दें, एक किनारी बना दें, और इसी के साथ ही अपने घर की छत पर आ जाएं, और घर की छत पर आने के बाद अपने हाथों के अंदर उस जल को लेकर घर के समूचे स्थान पर आपको उस जल को फेंक देना चाहिए, बिखेर देना चाहिए। और दोस्तों जो चावल बचते हैं उसे आप किसी जानवरों को चूगे के लिए दे दें, ताकि उसकी स्मृति भी आपकी कुंडली के अंदर बनी रहे। दोस्तों आप देखेंगे इस जल का यह प्रभाव पड़ेगा कि जल की बूंदें आपके घर के चारों तरफ एक सकारात्मक माहौल बनाती है, कभी भी घर के अंदर धन की कमी नहीं होती, देखते ही देखते आपकी कुंडली के अंदर बरकत देखने को मिल जाती है, और जैसा आपने चाहा था और जैसा आपने सोचा था वह आपके सारे कार्य उसी अनुरूप होने लगते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जल का उपाय आपको पसंद आया होगा। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।